हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आप सत श्री अकाल जी। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं जी बहुत ज्यादा अमेजिंग वीडियो। हम लोग देखने वाले हैं भगवत गीता का ज्ञान और उम्मीद है कि आपको मुझे वीडियो देखने का बहुत ज्यादा मजा आएगा और बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा मुझे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर प्लीज जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा। फिर देखते हैं आज का स्टार्ट। भगवत गीता इस धरती की सबसे कीमती ज्ञान का स्रोत है। इस ज्ञान की असल में कोई कीमत नहीं है। इस ज्ञान में इतनी ताकत है कि ये आपको बदल कर रख देगी। और इसे इतना इम्पोर्टेंट सिर्फ ऐसे ही नहीं माना गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि गीता की बातें अगर कोई भी इंसान जान ले तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। गीता ज्ञान, प्रतिभा और बुद्धिमता से भरा हुआ है। मतलब आज आपको खजाने की चाबी मिलने वाली है। नंबर 7, अपने काम को करते रहो बिना किसी फल की चिंता किए। ये एक बहुत पॉपुलर कोट है, कर्म किए जा, फल की चिंता न कर। आप चाहे कुछ भी करो, उस काम को ग्रीड यानी लालच, ईगो यानी अहंकार से मत करो, बल्कि मोहब्बत, दया, समर्पण से करो। मतलब कोई भी काम कर रहे हो उसे मन से करो, पूरा ध्यान उसमें लगा दो। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि यार ये कैसे हो सकता है। मतलब अगर कोई काम आप कर रहे हो वो तो फल को देख कर ही ना कर रहे हो। मतलब आपके मन में एक सोच है कि आप इस काम को करोगे तो आपको वो मिलेगा, तभी ना आप कर रहे हो, तभी ना आपके अंदर मोटिवेशन आ रही है। तो अगर फल की चिंता ना करें तो काम कैसे करेंगे? देखो भाई, बात यहाँ पर काम को फोकस के साथ करने की है। तो सिंपल बात ये है कि कोई भी काम आप तभी पूरे पावर के साथ कर सकते हो जब आपके दिमाग में उस काम के बदले और कुछ नहीं चल रहा हो। मतलब जब काम कर रहे हो तब किसी भी और विचार को आपको इग्नोर करना चाहिए, बस काम तो काम, चाहे वो विचार उस काम के फल की ही क्यों ना हो, आपको उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। क्योंकि फल के बारे में सोचोगे तो आप उस काम में अपना 100% फोकस नहीं दे पाओगे। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान काल में रहकर उस काम में ध्यान दो और उसके फल के बारे में भूल जाओ। अपने काम को हमेशा मन से करना चाहिए और उस काम से आपको क्या प्राप्त करना है उसके बारे में आप ज्यादा न सोचो तो ही आपके लिए अच्छा होता है। सिर्फ काम पर ध्यान देने से आप किसी भी काम को पीसफुली कर पाओगे। नंबर 6, पांचों इंद्रियों के जरिए गलत तरीके से पाया हुआ सुख शुरू में बहुत मीठा लगेगा, लेकिन बाद में वो आपको जहर की तरह खत्म कर देगा। इसका मतलब ये है, गलत तरीके से मिली हुई सुख का लालच आपको बहुत नीचे गिरा देगा। नशा करना या ऐसी कोई भी चीज जो गलत है वो आपको थोड़ी देर के लिए सुख दे सकता है, पर लंबे समय की बात करें तो वो आपको नीचे गिरा देगा। इसलिए जिंदगी में कोई ऐसा काम जो आपको पता है कि गलत है उसे कभी मत करो। इसके बदले कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपको परम सुख मिले, जो आपके दिमाग के अंदर की केमिकल लोचे से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि वो इस दुनिया के परे की चीज है। और ऐसा आनंद आपको कैसे मिल सकता है? ऐसा सुख आपको मिलता है किसी से प्यार करके, लोगों की मदद करके, माता पिता की सेवा करके, गरीबों की मदद करके। नंबर 5, जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा राज है बैलेंस्ड लाइफ यानी संतुलित जीवन। जिंदगी का कोई भी काम, सोना, खाना या जिंदगी की कोई भी चीज हो, हर चीज को बैलेंस्ड मोड में करो, यानी न कम और न ही ज्यादा। न आपको ज्यादा सोना चाहिए और न ही कम, न आपको ज्यादा खाना चाहिए और न ही पूरा कम। आपको हर चीज को बैलेंस में रखना चाहिए, परफेक्टली बैलेंस्ड। अपने उंगली पर कभी किसी चीज को रख के देखना, ये आप हो। अगर थोड़ा सा भी इधर या उधर झुके तो गिरना पक्का है, पर अगर बीच में रहे तो हमेशा टिके रहोगे। ये कॉमन सी बात है पर तब भी ये बहुत जरूरी सीख है। नंबर 4, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तब आप उसके गुलाम बन जाते हो। ये कोट आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपके जिंदगी में एक न एक ऐसी चीज जरूर होगी, चाहे वो किसी भी तरह का नशा हो या कोई बुरी आदत जिसे आप छोड़ना चाहते होंगे पर छोड़ नहीं पा रहे हो, तो ये कोट उसी तरफ इशारा करता है। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अगर नहीं कंट्रोल करोगे तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। इसलिए जब भी कुछ करने की सोचते हो तो उसके ऊपर विचार कर लेना चाहिए कि ये काम सही है कि नहीं। आपको हमेशा अपने दिमाग की नहीं सुनना चाहिए। ये एक बड़ा डिबेट है कि आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए या दिमाग की। तो इसका उत्तर है बैलेंस। आजकल आप जो भी तय करते हो वो 80% दिमाग से ही करते हो, दिमाग की लालच में आके। तो आपको दोनों को यानी दिमाग और दिल दोनों को आधा आधा प्रायोरिटी देना चाहिए, ताकि आपका दिमाग
आप पर हावी ना हो। इसका एक उदाहरण देता हूँ। मान लो आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम दे रहे हो, सामने ही एक टीचर है और वो इधर से उधर हॉल में निगरानी रख रहा है ताकि बच्चे चीटिंग ना करें, और ऊपर एक कैमरा भी लगा हुआ है, तो एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन का उत्तर नहीं आ रहा और आपने बाकी सभी का आंसर दे दिया, बट एक क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं आ रहा। बस उसका आंसर लिख दोगे तो आपके 90% पक्के हैं और आप पूरी तरह से श्योर हो। फिर आपके लालची दिमाग ने कहा कि बेटा चीटिंग कर ले, बस एक क्वेश्चन की तो बात है, फिर तेरे 90% पक्के। उस समय आपको ये पता नहीं है कि उस कैमरे से कोई देख भी रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कोई देखता ही नहीं, वो तो बैठ के वहाँ चाय पीते हैं। और उतने स्टूडेंट्स में से आपको ये कैच कर ले, इसका चांस बहुत कम है और ये बात आपको पता है। तो इस परिस्थिति में आपके पास दो ही ऑप्शंस है। नंबर वन, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, पर आप उस गोल्डन 90% को नहीं छुपाओगे, 80s में ही रहोगे। नंबर टू, रिस्क ले लो और अगर सफल रहे तो 90% आपके। तो देखा जाए तो अगर आप दिल और दिमाग दोनों से काम लोगे तो आप नंबर वन को ही चुनोगे, क्योंकि दिल कहेगा कि 90% छोड़, अगर फंस गए तो एग्जाम ही कैंसिल कर देंगे ये लोग। ये डर आपके दिल में पैदा हुआ जिसके चलते आपने नंबर वन को चुना। पर अगर आप ऐसे टाइप के इंसान हो जो हर काम 80% दिमाग से ही करता है, तो आप नंबर टू को चुनोगे। दिमाग सिर्फ लालच वाली चीजों को ही दिखाता है, तो ऑप्शन वन ही बेटर है, क्योंकि अगर आप फंस गए तो आपके इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए दिल और दिमाग का आधा आधा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कुछ तय करते समय अगर दिमाग से ज्यादा सोचा और दिल को नजरअंदाज किया तो ये आपको बहुत नीचे ला सकता है। थोड़ा थोड़ा करके धैर्य के साथ और प्रैक्टिस के साथ आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे। नंबर थ्री, इस दुनिया में वो कभी खुश नहीं हो सकता जो हर चीज पर शक करता है और नकारात्मक सोचता है। इस दुनिया को आप जैसे देखते हो ये आपको वैसे ही दिखता है। हर कोई का दिमाग एक चश्मे की तरह होता है जिसे लगाकर वो इस दुनिया को देखता है। सेम एक ही घटना किसी एक इंसान के लिए अच्छी होगी और दूसरे के लिए ट्रेजेडी। टीवी में आपने ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे जिसको देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि लोग ये कैसे देखते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता, पर फिर भी लोग देखते हैं। तो इस मामले में ये शो आपके लिए खराब है, नॉनसेंस है, पर उन लाखों लोगों के लिए ये फेवरेट है। आप अभी सोचो कि आपका फेवरेट शो कौन सा है या आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। तो आपकी फेवरेट मूवी देखते समय आपको जितना मजा आया था, उतना मजा उन लोगों को ये फालतू शो देखने में आता है जो आपके लिए फालतू है पर उन लोगों के लिए मस्त। तो ये दुनिया आपके नजरिए से बनती है। अगर आप ब्लू चश्मा पहनकर इस दुनिया को देखोगे तो ये आपको ब्लू ही दिखेगी, और अगर रेड चश्मे को पहनोगे तो जाहिर है रेड दिखेगी। आजकल आप तो ये सुनते ही होंगे कि ये दुनिया बर्बाद हो गई है, दुनिया में नकारात्मकता फैल गई है, दुनिया का अंत नजदीक है। पर क्या आपने कभी सोचा है कितनी खराब कंडीशन में भी आज भी ऐसे लोग हैं जो बहुत खुश रहते हैं? वो इसलिए क्योंकि दुनिया को वो अलग नजर से देखते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया आपको बदलना होगा, क्योंकि दुनिया जैसी है वैसी ही रहने वाली है, दुनिया नहीं बदलने वाली है। पर आप अपने नजरिए को जरूर बदल सकते हो, इसलिए अगर खुश रहना है तो अपने नजरिए को बदलो और हर चीज को एक सकारात्मक चश्मे से देखो और नकारात्मकता को लात मार के भगाओ जिसने आपकी जिंदगी से खुशियां छीन ली है। नंबर टू, इस दुनिया में जो घमंड करता है वो कभी भी खुश नहीं रह पाता। जो भी कुछ आपके पास है वो आप कभी भी खो सकते हो। कोई भी चीज आपके पास हमेशा के लिए नहीं होती, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर आप कुछ नहीं हासिल कर सकोगे, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है। इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, इसलिए घमंड को त्याग देना चाहिए। घमंड त्यागोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने जिंदगी में ऊपर उठोगे, इसलिए किसी को भी अपने से नीचा नहीं मानना चाहिए, हर किसी को समान रूप से देखना चाहिए। नंबर वन, कोई भी इंसान किसी काम में तभी माहिर बनता है जब वो इंसान उस काम को करता है जो उसे पसंद है, और इसे ही आप मॉडर्न भाषा में पैशन कहते हो। अगर आप उस काम को करोगे जिस काम के लिए आप बने ही नहीं हो, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे और न ही उस चीज में माहिर बन पाओगे। आपको लगेगा कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, आप एक रोबोट जैसा फील करोगे। इसलिए जिंदगी में उसी करियर को चुनो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसे आपको करने में मजा आता है। लोग जो कह रहे हैं कहने दो, आप बस अपने पैशन को फॉलो करो। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करना मत भूलना, लाइक और शेयर जरूर करना, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगली वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर देना।
जी तो गाइज ये थी आज की वीडियो और बहुत ज्यादा अमेजिंग वीडियो थी, लेकिन आप लोग बताइएगा कि इस वीडियो में जो कुछ भी बता रहे थे क्या वो रियल में पूरा का पूरा भगवत गीता में लिखा हुआ है, क्योंकि एक वीडियो में ना मैंने ऐसी बनाई थी उसमें मुझे कुछ व्यूवर्स बोल रहे थे कि मतलब ना आजकल लोग होते हैं वो होता है कि भगवान जी का नाम लेकर कुछ भी मतलब वीडियोस वगैरह बनाते हैं, लेकिन इस वीडियो पर इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं, इतने ज़्यादा लोगों ने देखा हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये वीडियो ऐसी ही होगी आप लोग, लेकिन प्लीज़ कि क्या ये सब भगवत गीता का ही ज्ञान है जो इन्होंने बताया है। मतलब ये तो इन्होंने वैसे अगर हम लोग देखते हैं तो आज की जो दौर है, जो आज का एज है, उसकी उसके साथ एग्जांपल्स देंगे और उसके साथ जो बात होती है उसको जोड़ के बताया, लेकिन भगवत गीता में जो भी लिखा हुआ होगा वो होता है ना कि अलग, वो होता है ना कि एक वे लिखने का और बोलने का वो अलग होता होगा, और मुझे लगा था कि उस वे से बताएंगे और उस वे से बताएंगे, लेकिन वीडियो मिलेगी कि उसमें बिल्कुल वो होता है ना कि भगवत गीता का जो होता है वहाँ वहीं से देख देख के ही बता रहे हैं, तो ऐसी वीडियो अगर मुझे मिले तो मैं वो भी ज़रूर लेकर आऊँगी और बताऊँगी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा सीख वही होता है, वो बोल रहे थे कि भगवत गीता एक ऐसी बुक है कि उसमें मतलब कि हर एक ज्ञान है जो कि आपको मिलेगा कि आप ऐसे वे से अगर अगर भगवत गीता के मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारते हो तो ज़िंदगी में फेल नहीं हो सकते, तो मतलब ऐसे ऐसी क्या बोलते हैं कि सीख है उसमें, ऐसी ऐसी ज़िंदगी गुजारने की बातें हैं उनमें और बताई हैं, और उसमें से बहुत ज़्यादा तो मैंने महाभारत जो है उसमें भी देखी हुई हैं, और जब वो बताते हैं ना उसमें तो सीरियसली उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा और क्या बोलते हैं कि स्पिरिचुअल फीलिंग आती है, और वो भी उस टाइम पे जब कृष्णा जी बता रहे हों तो उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ फील होती है, लेकिन होता है कि जो भी भगवत गीता है उसमें आई थिंक जो लिखा हुआ है वो कृष्णा जी जो हैं उन्होंने जो मतलब के बताया वही सब आई थिंक कि भगवत गीता में लिखा हुआ है ना, अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताएगा, ये मैं देख रही थी कि क्या वाकई में रियल है कि नहीं, लेकिन नीचे बंदा उसने लिखा हुआ है, अगर आप एक जो कुछ भी आपको अगर अच्छा लगता है और आपको वो नहीं मिल रहा होता, आपने उसके लिए फाइट नहीं की, तो फिर उस चीज़ पे रोना मत जो कि आपने उसको खो दिया, मतलब वही चीज़ है ना कि हम लोगों को अगर कुछ बहुत अच्छा मतलब कि लग रहा हो और हमें लगे कि हम लोग सीधे रास्ते पर हैं और कुछ है जो हमें उसकी ज़रूरत है और वो चीज़ हमें मिल नहीं रही है, बेशक वो कोई इंसान भी होते हैं, मैं तो बोलूँगी कि कुछ इंसान भी होते हैं, हमें उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि स्टेप्स उठाने की और एफर्ट्स की ज़रूरत होती है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हम लोग होते हैं ना कि आलसी लोग, और आलसी मैं नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि हम लोग हमारी मुश्किलों में इतना ज़्यादा उलझे हुए होते हैं कि हम लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा होता, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या रास्ता ठीक है, मतलब पता होता है कि ये वाला रास्ता ठीक है ये गलत है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों की हिम्मत नहीं आ रही होती हमारे अंदर, और हम लोग अपनी उन उलझनों में इतना ज़्यादा उलझ गए होते हैं कि हम लोगों को वो चीज़ जो हमारे लिए हमें लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगी और बाद में सिर्फ हम लोग रोते रह जाते हैं, बहुत दफ़ा होता है हर एक इंसान के साथ ऐसा ज़िंदगी में मुझे लगता है होता ही होता है, वो होता है ये फ़ैसला लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ये वैसे वीडियो अच्छी थी और बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, अगर मैं बोलूँगी कि लोग ये जो बातें भगवत गीता पे होती हैं उस पर अमल स्टार्ट हो जाए, लोग उस बात को समझना स्टार्ट हो जाए, मैं बोलूँगी दूसरे मुल्कों से आकर लोग उन बातों को समझ रहे हैं, उन बातों को जान रहे हैं, तो हमारी तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो थी भगवत गीता पे, मैंने और भी बहुत अमेजिंग सी वीडियो ढूंढ के रखी हुई हैं और मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब और एक शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको मिलती रहूँगी ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ अभी के लिए, इतना ही इजाज़त, थैंक यू सो मच वॉचिंग, आई लव यू ऑल।